गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज इससे पहले दो समान समता के नियम को बताए, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ भी गया होगा। तो देखते हैं, आज फिर स्टार्ट करते हैं। दो त्रिभुजों की समान समता के प्रतिबंध समान समता नियम को बताया जाएगा। इसमें आज हम लोग सीखेंगे SSS भुजा सर्वांग समता नियम को हम पहले समझते हैं, आकृति के द्वारा समझते हैं कि ये दो आकृति दिया हुआ है, ABC और DEF दो आकृति दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि AB भुजा के बराबर DE, AC भुजा के बराबर DF और BC भुजा के बराबर EF दिया गया है। तो आकृति को देखने से लगता है कि दो त्रिभुज सर्वांशम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी तीनों भुजाओं के बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांशम होता है, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखिए AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF। जब तीनों का तीनों भुजा, एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांशम हो गया, जो कि यह स्पष्ट हो गया। फिर आप चलते हैं RHS समकोण कर्ण भुजा समान समता नियम को देखते हैं। देखिए इसमें ये दो समकोण त्रिभुज को बना लिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि ये समकोण ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कोण बराबर ये कोण और ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, तो ये भुजा ऑटोमेटिक ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांशम कहलाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी कर्ण और भुजा के बराबर हो, तो इसे हम RHS समकोण कर्ण भुजा समान समता नियम कहते हैं। इसमें क्या किए हम कि इस एंगल को इस एंगल के बराबर करके दिखा दिए गए, और ये कर्ण है और ये कर्ण जो कि यहाँ पर लिख दिया गया AC बराबर DF, तो जब ये और ये बराबर हो जाएगा, कोण और ये बराबर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी भुजा बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। आप केवल अगले वीडियो में मिलेंगे, इसमें हम बताएंगे AAS कोण भुजा सर्वांशमता नियम को बताएंगे अगले वीडियो में। तो हम चाहेंगे कि मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।